बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर से। बजट सत्र से पहले सपा का प्रदर्शन जारी है। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे सपा एमएलसी और ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे सपाई। एमएलसी आनंद भदौरिया, सुनील साजन मौजूद हैं। एमएलसी राजेश यादव को हिरासत में लिया गया है। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन विधानसभा के बाहर देखने को मिला है और आज राज्यपाल का अभिभाषण भी है। आज से यूपी में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश होना है, लेकिन विपक्ष का हंगामा पहले से ही देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर सपा के एमएलसी ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा की एमएलसी राजेश यादव को हिरासत में लिया गया है और ट्रैक्टर से सभी लोग विधानसभा के सामने पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। सपा नेता सुनील साजन भी इस प्रदर्शन में शामिल है और एमएलसी आनंद भदौरिया, सुनील साजन और एमएलसी राजेश यादव विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे हैं और विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। एमएलसी राजेश यादव को हिरासत लखनऊ से हमारे संवाददाता मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। मयूर, बजट सत्र यूपी का 22 फरवरी को पेश होना है, आज राज्यपाल का अभिभाषण भी है, लेकिन विपक्ष का जो हंगामा विधानसभा के अंदर देखने की उम्मीद की जा रही थी वो बाहर से ही दिखाई देने लगा है। विधानसभा के बाहर सपा के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, गन्ना लेकर पहुंचे हुए हैं ट्रैक्टर से और जोरदार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। आपकी बात हुई तो हमने आपसे कहा था कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आपको हंगामा देखने को मिल सकता है, धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। उसके कुछ देर बाद ये तस्वीरें आने लगी कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता और एमएलसी हैं, चाहे वो सुनील साजन हो, चाहे वो राजेश यादव हो और चाहे वो भदौरिया हो, आनंद भदौरिया हो, तमाम सारे जो एमएलसी हैं, नेता हैं, उदयवीर सिंह हैं, तमाम वो लोग वहां से ट्रैक्टर से पहुंच गए विधानसभा के सामने, जहां पर ये कहा जाता है कि विधानसभा के सामने जो सुरक्षा है काफी ज्यादा मुस्तैद रहती है, वहां सिक्योरिटी काफी अच्छी रहती है और आज जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो वहां से सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मुस्तैद थी, लेकिन फिर भी वो ट्रैक्टर से जिस तरीके से पहुंचे, गन्ना लेकर वहां पे पहुंच गए और जिस तरीके से राजेश यादव को ट्रैक्टर से खींच के उतारा गया है, देखा कि एक पुलिसकर्मी ट्रैक्टर पर चल गया रोकने के लिए, लेकिन राजेश यादव अपने ट्रैक्टर रोक ही नहीं रहे थे, वो चलाते चले जा रहे थे। इससे बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, किसी को चोट भी लग सकती थी, लेकिन फिर उनको खींच के रोक के निकाला गया और एक जो एमएलसी है वो ट्रैक्टर के आगे लेट गया जिनको सुनील साजन ने वहां से हटाया। तो अनुमान था कि इस तरीके का प्रदर्शन अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर देखने को मिलेगा इस तरीके की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन आज किया है तो बिल्कुल इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 11 बजे से जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें भी इस तरीके का भारी प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जो राजेश यादव हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और अभी भी वहां पे प्रदर्शन जो है, अभी हालांकि वहां पे शांति है, प्रदर्शन उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सत्र के लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं। विधानमंडल दल की जो उनकी बैठक थी विपक्षी पार्टियों की वो भी हो चुकी है और वहां पे ये खाका तैयार कर लिया गया है, तय कर लिया गया है कि किन किन मुद्दों पे वहां पे उनको घेरा जाएगा, लेकिन इसकी जो सुगुगाहट थी शायद जो सुरक्षा कर्मी है या पुलिस है उसको पहले से नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन वहां पे हो सकता है, लेकिन ट्रैक्टर से जिस तरीके से वहां लाया गया और जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आप ट्रैक्टर से यहाँ से क्यों प्रदर्शन करने आए हैं, तो उनका कहना है कि जो ट्रैक्टर है ये देश की शान है और किसानों को लेकर जिस तरीके से वो आंदोलन लगातार समाजवादी पार्टी करती चली आ रही है उसी को लेकर आज वो दिखाना चाह रहे थे कि गन्ना और किसान दोनों साथ में, और समाजवादी पार्टी जो कि किसानों की पार्टी अपने आप को कहती है वो इस तरीके के जो किसान बिल है उसका विरोध लगातार करती रहेगी और विधानसभा में भी आज इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। धीरेन्द्र, कुछ सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है, एमएससी राजेश यादव भी उनमें से एक है। बिल्कुल धीरेन्द्र, एमएलसी राजेश यादव जो कि काफी ज्यादा उग्र हो गए थे, जिनको उनके साथी एमएलसी जो सुनील साजन है उन्होंने समझाने की कोशिश की, वहां से हटाया, ट्रैक्टर के आगे लेट गया, ट्रैक्टर से जबरदस्ती इनको उतारा गया और जब भी जब सपा के कार्यकर्ता सड़कों को करते हैं प्रदर्शन करते हैं इस तरीके की तस्वीरें तो हमें देखने को मिलती है और राजेश यादव हमेशा से इस तरीके की जो उग्र प्रदर्शन है वो करते रहे और आज भी उन्होंने किया, तो उनको तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाकी जो अभी उनके नेता है राजपाल कश्यप भी वहां पर है, वो भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया कि पुलिस वाला जो है उनके ट्रैक्टर पर खड़ा हो और वो ट्रैक्टर चलाते चले जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि अगर वो पुलिस का जो कर्मचारी है अगर वो गिर गया और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया तो उसकी जान भी जा सकती है, तो इस तरीके का प्रदर्शन हालांकि देखने को नहीं मिलता है आमतौर से, लेकिन आज विधानसभा के सामने ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला, काफी शर्मनाक तस्वीरें हैं।
विपक्ष के रुख से ये तो साफ हो जाता है कि इस बार का जो यूपी का बजट सत्र होगा वो काफी हंगामेदार होगा, सरकार के लिए चुनौती भी होगी बजट को पेश करने की। फिलहाल मयूर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।